रहने की सुविधाएं में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप ये रूम में बहुत अच्छे से रह सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, तो बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। आप फ्री में और क्या चाहते हो यार। देखो ये देखो, मतलब चौकी है, मतलब ये जो है ना ये गद्दे, आपको चादर भी मिल रहा है, तकिया भी मिल रहा है, आप इसको बिछाओ और सो जाओ। और फ़ैन भी तो आप देख रहे हो यहाँ पे, फ़ैन भी लगे हुए हैं, खिड़की भी है और दरवाजे भी हैं जो लॉक कर सकते हो, सेफ्टी है। कैमरा भी लगे हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो कि यहाँ कैमरा भी है, तो रूम में कैमरा भी है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुविधाएं में तकिया भी है और चौकी भी है, पंखा भी है, चादर भी है, तो मच्छरदानी भी है। आप मच्छरदानी सबका देख रहे हो, ये देख रहे हो ना, ये मच्छरदानी लगाते हैं सारे लोग, तो आपको मच्छरदानी भी दी जाती है। तो सारी सुविधाएं हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो कोई भी घाटे का सौदा नहीं है। एड्रेस तो आपको मैं दे ही दे रही हूँ, जिससे आप अच्छे से आ जाओ। अगर आप एग्ज़ाम देने आ रहे हो, या फिर कोई मतलब पटना में कोई काम हो, या फिर हॉस्पिटल के लिए आ रहे हो, तो हॉस्पिटल आसपास ही है यहाँ पे, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात है कि ये पैसे नहीं लग रहे हैं, तो अगर आप बजट ट्रैवलिंग कर रहे हो, ट्रैवलर हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। हेलो गाइस, आप पटना आए हैं और फ्री में रहना चाहते हैं, तो चलिए आज का वीडियो इसी पर टॉपिक पर है कि अगर आप पटना आते हैं तो कहाँ फ्री में रह सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये पटना जंक्शन है और ये स्टेशन का एरिया है। जस्ट यहाँ पे आप देखेंगे बगल में ऑटो है, तो यहाँ किसी से भी पूछिए कि आपको जाना है गाय घाट, गाय घाट के लिए ऑटो ले लीजिए, या फिर थोड़ा सा और आगे जाएंगे ना तो आपको सस्ते में मिल जाएगा, तो गाय घाट के लिए ऑटो ले लीजिए। ऑटो ले चुके हैं और अभी गायघाट जाएंगे, तो उससे पहले गांधी मैदान जाएंगे और उसके बाद फिर गायघाट जाएंगे। तो चलो फिर चलते हैं और पूरी अपडेट लेते हैं कि क्या वहाँ पे सच में फ्री में रह सकते हैं या नहीं, तो चला जाए फिर। तो एक काम कर सकते हैं, स्टेशन में अगर आपको मिल जाता सस्ते में जाने के लिए गायघाट तो सही है, नहीं मिलता है तो थोड़ा सा स्टेशन से थोड़ा सा बाहर निकलिए और वहाँ पे ब्रिज के साइड में ही, राइट हैंड साइड में, आप किसी से भी पूछ लेंगे कि आपको जाना है गाय घाट। सो गाय घाट पहुँच चुके हैं और यहाँ से फिर ऑटो ले रही हूँ मैं बैरियर के लिए। आप ऐसे भी ऑटो वाले से बोल सकते हैं कि बैरियर जाना है जहाँ पे नगर निगम का फ्री का होम स्टे बना हुआ है। तो चलो फिर, तो जैसे ही गाय घाट पहुँचेंगे आप किसी भी ऑटो वाला को बोलिएगा कि हमको नगर निगम जहाँ पे फ्री में रहते हैं वहाँ जाना है, वो सिर्फ 5 रुपये लेगा, आप ज़्यादा मत देना, 5 रुपये में आपको वो नगर निगम छोड़ देगा। दिखाती हूँ कि नगर निगम देखने में कैसा है और मैं फाइनली पहुँच चुकी हूँ कि जैसे आएंगे, देखिए ये ब्रिज है ना, ब्रिज में है और ऐसा मतलब लकड़ी का दरवाज़ा बना हुआ है, तो पहुंच चुकी हूं मैं और आने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बस आप ऑटो लीजिए गाय घाट का, गाय घाट वाले से बोलिए कि मुझे नगर निगम का जो फ्री में है वो जगह पहुंचा दीजिए, बस वो 5 रुपया लेगा, आपसे ज़्यादा नहीं लेगा, 5 रुपये लेगा और आपको यहाँ पहुँचा देगा। ऐसे पैदल आइएगा तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, तो ऑटो ले लीजिएगा, 5 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको कहा था कि मैं फ्री में रह रही हूँ और आज मैं एक्सप्लोर करके बताती हूँ कि कैसा जगह है, क्या है और क्या सुविधाएं इसकी, तो चलिए चलते हैं। तो पहले मैं दिखा दूं कि ये वो एरिया है, ठीक है, और ये वॉशरूम है, यहाँ पे लोग वॉशरूम है, यहाँ पानी उनी अगर नल का हुआ तो, और ये वॉशरूम देख सकते हैं और ऐसे यहाँ पे लोग हाथ धोते हैं। और चलो फिर किचन चलते हैं। ऑफिस एरिया है और यहाँ से यहाँ तक में किचन एरिया है, जो आपको मैं दिखाती हूँ बाद में कि किचन कैसा है और क्या आप किचन में खाना के लिए ऑर्डर दे सकते हैं या नहीं, या फिर आप खा सकते हैं कि नहीं, उसकी भी जानकारी मैं आपको देती हूँ। सो चलो मैम से पूछते हैं यहाँ के बारे में कि क्या प्रोसेस है और क्या लगता है यहाँ पर, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है या रहना कुछ चार्जेबल है, खाना फ्री है या फिर चार्ज रहता है,
सारी इन्फॉर्मेशन मैम से लेते हैं और मैम के पास चलते हैं। हेलो मैम, जैसे ये रैन बसेरा है पटना में गायघाट के पास ना, तो ये मेरे को जानना था कि ये निशुल्क रहता है क्या? खाने का यहाँ पे चार्ज है 30 रुपये, रहने का कोई चार्ज नहीं। अच्छा, रहने के लिए कोई पैसे नहीं लगते? कोई पैसे नहीं, जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, मतलब कोई जिन उनका नहीं है उनका निःशुल्क है, मतलब ना खाना लगेगा ना रहना लगेगा। तो मैम का कहना है कि अगर मतलब यहाँ पे जो आते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है रहना, बट खाने के लिए 30 रुपीज़ लगेंगे, और जिनका कोई नहीं है, वो बहुत एज हो गया, सिटीज़न है, कोई मतलब उनकी इतनी हेल्थ नहीं है जो वो काम कर सके, तो उनके लिए रहना भी फ्री है और खाना भी फ्री है, तो बहुत अच्छी बात है। और ये कहाँ एड्रेस, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कैसे आना है। और ये जो मैम है अभी गायघाट में, यहाँ की मैनेजर है रैन बसेरा की। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो चलो यहाँ से और चलते और एक्सप्लोर करते यहाँ का कि क्या क्या सुविधाएँ हैं, और खाना भी देखेंगे कि खाना कैसा है और क्या क्या खाना में मिलता है। अब मैं किचन आ चुकी हूँ और आपको मैं कुछ किचन की सुविधाएँ भी दिखाती हूँ कि किचन में क्या सुविधाएँ, क्या साफ़ है किचन जो मैं खाना खा सकती हूँ यहाँ से। तो चले चलते हैं किचन। तो मैडम ऐसे खाना कितने बजे बनता है? 4 बजे बनता है। 4 बजे खाना बनता है, मतलब 2 टाइम खाना बनता है या 1 टाइम खाना बनता है? एक टाइम खाना बनता है। तो किचन ले चलेंगे आप मुझे? तो ये देख सकते हैं कि अभी हम किचन जा रहे हैं और किचन की साफ़ सफाई भी देख सकते हैं। थोड़ा मैडम खिड़की खोल दीजिए जैसे हमको दिख सकें थोड़ा। तो ये देख सकते हैं किचन बहुत साफ़ है, ये देखिए मतलब घर के जैसा आपको लग रहा है यहाँ पे, और किचन बहुत क्लीन है। आप देख सकते हैं कि गैस भी हो या बर्तन हो, तो ऐसी सफाई सिर्फ आपको घर पे मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। और मैं भी लिटरली हूँ तो मैं कल से खा रही हूँ, तो मुझे भी बहुत हाइजीन लगा, क्योंकि आप होटल में जाओगे तो बहुत गंदा होता है, बट यहाँ बहुत साफ़ सफाई है और मैडम बहुत अच्छे से बनाती है और बहुत टेस्टी बनाती है। तो ज़्यादा खर्च भी नहीं है, 30 रुपीज़ देने पड़ते हैं और एक टाइम ही खाना पड़ता है। थैंक यू मैडम। तो 30 रुपीज़ सिर्फ देने होते हैं और एक टाइम ही खाना है, रात का खाना रहता है, जिसमें खाना मैं पूछ लेती हूँ कि खाना में क्या रहता है, और अगर जो खाना बनेगा वो मैं आपको दिखा दूँगी कि खाना कैसा है। तो थोड़ा पूछ लेते हैं कि खाना में क्या क्या आप रखते हो। खाना में ऐसे क्या क्या रहता है मैडम? दाल रहता है, चावल रहता है, रोटी बनता है और सब्जी बनता है। दाल, चावल, रोटी और सब्जी। तो 30 रुपये में आपको भर पेट खाना मिलता है, दाल, चावल, सब्जी और रोटी। तो इतने सारे चीज़ हैं, तो बहुत अच्छी जगह है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप रह रहे हैं, और कुछ भी आपको 30 रुपीज़ कुछ नहीं है। 30 रुपीज़ ऐसे भी नॉर्मल दान दे देता आदमी, तो खाने में लग रहा है, तो मुझे ये प्लेस बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए एक टूर कराती हूँ मैं ये जगह का। तो मैं किचन से निकल चुकी हूँ और जहाँ सोते हैं लोग वहाँ ले चल रही हूँ, तो चलो फिर वहाँ देखते हैं क्या सुविधाएँ। तो ये देख सकते हैं एरिया बहुत साफ़ है, क्लीन है और हवादार है, आप बैठ सकते हो यहाँ पर भी, और ऐसा कुछ है, यानी यहाँ पे दोनों तरफ घर है, तो चौकी भी लगी हुई है, और ये देख सकते हैं महिला और पुरुष। सो महिला का थोड़ा सा सीक्रेट होता है, यानी कि थोड़ा सा ये है, तो हम जेंट्स में जाके हम चेक करेंगे। तो ऐसा कुछ है रूम, और ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और क्या क्या मिलता है मैं आपको ये बताती हूँ। तो यहाँ पे आपको फ्री में चौकी मिल जाता है, चौकी के साथ साथ यहाँ देख सकते हैं सारे जगह चौकी लगे हैं, मुझे लगता है टोटल नहीं तो नहीं 50 चौकियाँ तो अंदर ही है। सो आपको चौकी मिल जाता है, तोशक मिल जाता है, चादर मिल जाता है, मच्छरदानी मिल जाता है और तकिया मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें सुविधाएँ हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। रूम में सिक्योरिटी के लिए आपको कैमरा भी है, तो डरने की कोई बात नहीं है। प्लस ऑफिस रूम में आपके लिए लॉकर भी है, जिसमें आप अपना इम्पोर्टेंट सामान रख सकते हो। तो ऐसा कुछ टूर है, और तो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और अगर आप पटना आते हैं किसी भी कारण में, बजट ट्रैवलर हैं, बहुत
पैसे उतने अफोर्ड नहीं कर सकते। पैसे अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, यहाँ आके आप रह सकते हो, जिसमें आपका कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और खाने का तो मैंने आपको 30 रुपीज़ बता ही दिया, और रहने के लिए भी बहुत साफ़ सुथरा जगह है। बाथरूम ये सब तो मैंने आपको दिखा लिया है, तो ये देख सकते हैं बहुत हवादार है, मतलब ये ब्रिज के ऊपर बनी हुई है, ये देख सकते हो आप, पूरी ब्रिज के ऊपर ही नीचे पे बनी हुई है, ये ब्रिज है, ब्रिज के नीचे ही बना हुआ एरिया है, और बहुत हवादार एरिया है, मतलब साफ़ सुथरा भी है, लोग यहाँ पे आते हैं, रहते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, यानी कि जो स्टूडेंट है, जो यहाँ पे हॉस्पिटल में आए हैं, जो बजट ट्रैवलर हैं, वो यहाँ पे आके रहते हैं। मेरे साथ भी एक लड़की है जो अभी मतलब टीचिंग का एग्ज़ाम दी थी, तो वो यहाँ पे आके रही है, तो लोग रहते हैं। तो चलो फिर मैम से बात करते हैं और सारी जानकारी लेते हैं उनसे। तो आज का वीडियो बस इतना ही, क्योंकि सारा एक्सप्लोर करके मैंने दिखा दिया है कि पटना अगर आप आते हैं तो फ्री में कैसे रह सकते हैं। मेरी वीडियो आपको कैसे लगती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर इन्फॉर्मेटिव है तो ज़रूर दूसरों तक शेयर करें, जिससे कि दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।